नमस्कार, इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारी प्लेलिस्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में समझते हैं हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्शन हीटिंग के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को और जानते हैं हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्शन हीटिंग की एप्लीकेशंस। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। व्हाट इज हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्शन हीटिंग? हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग एक बहुत फास्ट, रिलायबल और अच्छी क्वालिटी का तरीका है जिसमें हम धातुविक पदार्थों को और चालकों को गर्म करते हैं, पिघला लेते हैं, जोड़ने के काम आते हैं, उन्हें जोड़ने का काम कर सकते हैं, उन्हें सरफेस पे हार्ड या सरफेस पे ट्रीट करके केस हार्डनिंग या सॉफ्टनिंग एनीलिंग कर सकते हैं। इंडक्शन हीटिंग में हीट सीधे उसी पदार्थ के अंदर पैदा होती है जिसे हम गर्म कर रहे हैं, उसको अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उसके अंदर इंड्यूस्ड एडी करंट मटेरियल के रेजिस्टेंस में सीधे हीट पैदा कर देते हैं। बिना किसी हीटिंग सोर्स से वर्कपीस के संपर्क के साथ होने वाली इस हीटिंग में हम किसी भी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, वर्कपीस से हीटिंग सोर्स के बिना किसी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के जो इंडक्शन हीटिंग है उसे हम किसी भी वातावरण परिस्थितियों में कर सकते हैं। इसे वैक्यूम में करके हम जो एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन की प्रॉब्लम्स हो सकती है जैसे कि स्पेशल स्टील बनाते समय, उन्हें रोक सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इंडक्शन हीटिंग एक बहुत साफ सुथरा और बहुत ज्यादा तेज नॉन पॉल्यूटिंग हीटिंग प्रोसेस है। हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्शन हीटिंग में एक सिग्निफिकेंट फिनोमिना स्किन इफेक्ट है। इस स्किन इफेक्ट के कारण जो इंड्यूस्ड एडी करंट है हाई फ्रीक्वेंसी का, वो हमारे मटेरियल वर्कपीस की सिर्फ सरफेस की थिन लेयर में ही फ्लो करता है और जो करंट डेंसिटी है उसकी इंटेंसिटी तेजी से घटती है एक्सपोनेंशियली अगर हम सरफेस से मटेरियल के अंदर गहराई में उतरते हैं। खाली सरफेस हीटिंग से, हाई फ्रीक्वेंसी की इंडक्शन हीटिंग से हम जहां सरफेस की हीटिंग चाहिए उसे बहुत आसानी से और बहुत तेज गति से कर सकते हैं और हमारा जो मटेरियल वर्कपीस है उसका सरफेस गर्म हो जाएगा और अंदर हीटिंग नहीं होने से वो कूल रहेगा। स्किन इफेक्ट के कारण हम किसी वर्कपीस के सरफेस को गर्म करके मेलेबल बना सकते हैं और उसका अंदर का हिस्सा ठंडा और स्ट्रॉन्ग रहने से उसकी सरफेस की फिनिशिंग करना मैकेनिकल वर्किंग से आसान हो जाता है। अलग अलग इंडक्शन हीटिंग एप्लीकेशंस में हमें 3 kHz से लेके 900 kHz तक की हाई फ्रीक्वेंसी की अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक सप्लाई की आवश्यकता हो सकती है। एक हमारा जो इंडक्शन हीटिंग सिस्टम्स हैं उसके बेसिकली 3 components हैं। एक मेन पावर यूनिट है जो कम फ्रीक्वेंसी की स्थितियों में एक मोटर जनरेटर सेट या सिंपल थायरस्टर सर्किट हो सकता है, लेकिन हम रियल एप्लीकेशन हाई फ्रीक्वेंसीज में इन दिनों MOSFET या IGBT स्टैटिक स्विचेज के सर्किट्स का इन्वर्टर ऑपरेशन में इस्तेमाल करते हैं। इन्वर्टर का आउटपुट हमारे वर्कपीस में अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाकर यूटिलाइज होता है और इन दोनों के बीच में ये ग्रीन हाईलाइट का सेक्शन इम्पीडेंस मैचिंग सेक्शन कहलाता है जो बहुत क्रिटिकल है और इम्पीडेंस मैचिंग के बाद हाई फ्रीक्वेंसी के अल्टरनेटिंग एक्साइटेशन से एक वर्क कॉइल हाई फ्रीक्वेंसी का टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाती है जो वर्कपीस में एडी करंट्स पैदा करके हीटिंग को एग्जीक्यूट करता है। जरा सारे सेक्शंस को डिटेल से समझते हैं। पावर यूनिट या इन्वर्टर सेक्शन इंडक्शन हीटिंग सर्किट का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। हम मेन लाइन AC को एक रेक्टिफायर की मदद से कंट्रोल्ड DC में बदलते हैं और इसके लिए हम डायोड और थायरिस्टर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमारे सर्किट्स बहुत ज्यादा 200 से 500 kW जैसी पावर के हो सकते हैं। तो हम मेन सप्लाई को 3-phase मेन लाइन लेते हैं और जो हमारे रेक्टिफायर है वो 3-phase के ब्रिज टाइप सेमी कन्वर्टर होते हैं जिनमें एक ब्रिज में आधे स्विचिंग डिवाइस डायोड और आधे थायरिस्टर होते हैं जो हमें यहाँ फेज एंगल कंट्रोल से एक वेरिएबल DC का वोल्टेज रूप दे देंगे। इस वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को हम बदलकर इन्वर्टर के आउटपुट को कंट्रोल करके हीटिंग को भी कंट्रोल करते हैं। जो इन्वर्टर है उसमें जो स्टैटिक स्विच हम यूज करते हैं बहुत कम फ्रीक्वेंसी, अगर 5 kHz से कम फ्रीक्वेंसी हो तो ये स्विचिंग स्विच सिंपल थायरस्टर हो सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी की हमारी एप्लीकेशन है जो कि 10 kHz से 800 kHz तक की भी हो सकती है तो हम जो स्टैटिक स्विच यूज कर रहे हैं वो MOSFETs या IGBTs जिसका सिंबल यहाँ प्रदर्शित है वो हो सकते हैं। पुराने स्पार्क गैप वैक्यूम ट्यूब डिवाइसेस की तुलना में ये जो नए सेमीकंडक्टर स्टैटिक स्विचेज हैं इनकी ओवरऑल डाइमेंशंस भी कम है, इनका कंट्रोल आसान है और इनकी ओवरऑल एफिशिएंसी भी ज्यादा है। MOSFET और IGBTs
IGBT में से IGBT ज्यादा पावर लेवल और कम फ्रीक्वेंसियों पे इस्तेमाल किए जाते हैं, और जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी की एप्लीकेशंस हैं 800 किलोहर्ट्ज़ के नजदीक वाली, उनके लिए हम MOSFETs का इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पे हाई पावर एप्लीकेशंस में इन्वर्टर ऑपरेशन में हम एक ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें चार स्विचिंग कंपोनेंट के बीच में यहां हम अल्टरनेटिंग आउटपुट पैदा करते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं। इनपुट पे हम DC देते हैं और आउटपुट में यहां वर्क कॉइल में AC प्राप्त हो जाती है। इंडक्शन हीटिंग सर्किट में इन्वर्टर और वर्क कॉइल के बीच में इम्पीडेंस मैचिंग एक क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट सर्किट कंपोनेंट है, जिसकी मदद से हम इन्वर्टर का मैक्सिमम पावर वर्क कॉइल में ट्रांसफर एंश्योर करते हैं। जो हमारा मैचिंग सर्किट है उसमें कुछ इंडक्टर कैपेसिटर्स के कंपोनेंट्स के साथ कुछ ट्रांसफॉर्मर एक्शंस हो सकती हैं, और हमारा जो मैचिंग नेटवर्क है वो इन्वर्टर की हाई वोल्टेज और लो करंट आउटपुट को यहाँ वर्क कॉइल में लो वोल्टेज पे हाई करंट के रूप में बदल देता है, ताकि ज्यादा करंट से स्ट्रॉन्ग इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड बना सके। यहाँ मैचिंग नेटवर्क में कंपोनेंट को अल्टर करके हम आउटपुट पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। आमतौर पे एक LMH नेटवर्क, जिसमें एक इंडक्टर और कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है, उसका ज्यादा इस्तेमाल होता है, और ये जो LMH नेटवर्क है उसकी मदद से हम बहुत अधिक लॉस रेजिस्टेंस वाला जो टैंक सर्किट है हमारा पैरेलल रेजोनेंट वर्क कॉइल और कैपेसिटर के साथ वाला, उसको MOSFET इन्वर्टर के लिए इम्पीडेंस मैचिंग करके एक लोअर वैल्यू का लोड जैसा बना दिया जाता है। जरा समझते हैं कि हमारी वर्क कॉइल किस तरह से डिजाइन और काम करती है। इंडक्शन हीटिंग सर्किट का सबसे महत्वपूर्ण भाग वर्क कॉइल या इंडक्टर है। हम वर्क कॉइल या इंडक्टर का इस्तेमाल वर्क पीस में एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। आमतौर पे हम कॉपर की होलो ट्यूब्स का इस्तेमाल करते हैं, जो अंदर से वाटर सर्कुलेशन से कूल रखी जाती है। कॉइल में हम करंट फ्लो करके वर्क पीस की सराउंडिंग्स में एक हाई फ्रिक्वेंसी का अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। कॉइल में बहने वाले करंट की फ्रिक्वेंसी, उसका मैग्नीट्यूड या ड्यूरेशन, या हमारी वर्क कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स, इन सबको कंट्रोल करके हम एक डिजायरेबल कंसिस्टेंट हीटिंग रिजल्ट्स को पैदा कर सकते हैं। जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सर्किटरी है वो वर्क कॉइल में जाने वाले करंट को कंट्रोल रखती है, और हमारे सर्किट के जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं और हमारी जो एंड प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है उसमें कोई भी एडवर्स ऑपरेटिंग कंडीशंस ना पैदा हुए, उसे भी कंट्रोल करती है। हमारी वर्क कॉइल एक रेजोनेंट टैंक सर्किट का हिस्सा होती है, और हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का आउटपुट है वो रेजोनेंट टैंक सर्किट की मदद से यहाँ कॉइल में करंट और वोल्टेज को साइनोसोइडल वेव शेप्स देता है, और हमारी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसीज जो हमें चाहिए उसे भी डिसाइड करता है। हम कम पावर की एप्लीकेशंस में एक कैपेसिटर को वर्क कॉइल के सीरीज में लगा के एक सीरीज रेजोनेंट सर्किट बनाते हैं, जैसा कि हम एक छोटे राइस कुकर में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो रियल मीडियम और हाई पावर एप्लीकेशन के इंडक्शन हीटर्स हैं, उनमें एक पैरेलल रेजोनेंट टैंक सर्किट इस्तेमाल करते हैं। वर्क कॉइल के पैरेलल में हम रेजोनेंट करने वाला एक कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं। ये कैपेसिटर न केवल हमारे सर्किट में पावर फैक्टर करेक्शंस का काम करता है, बल्कि जिस ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पे हमें हीटिंग प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है उस ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को भी डिसाइड करता है। जो हमारा पैरेलल रेजोनेंट सर्किट है वो हमारी वर्क कॉइल के करंट को एम्पलीफाई कर देगा, और हमें वर्क कॉइल में बहुत ज्यादा करंट आ जाएगा, और हमें इन्वर्टर की मदद से बहुत ज्यादा करंट सर्किट को देने की जरूरत नहीं है। पैरेलल रेजोनेंट टैंक सर्किट की मदद से हम इन्वर्टर के लो करंट आउटपुट को भी वर्क कॉइल में हम हाई करंट के मैग्नीट्यूड में कैपेसिटर की मदद से बदल सकते हैं, क्योंकि एक पैरेलल रेजोनेंट सर्किट एक करंट एम्पलीफायर के बतौर काम करता है, और इस वर्क कॉइल में हाई फ्रीक्वेंसी का हाई मैग्नीट्यूड का स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जब वर्क पीस के सराउंडिंग में इंटेंस हाई फ्रीक्वेंसी का टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो वो इंड्यूस्ड एडी करंट से डिजायर्ड स्किन इफेक्ट के साथ हमारे वर्क पीस में हीटिंग एग्जीक्यूट कर देता है। जरा इंडक्शन हीटिंग के एडवांटेजेस को जानते हैं। इंडक्शन हीटिंग कन्वेंशनल जो फर्नेस की हीटिंग टेक्निक्स है या दूसरी इलेक्ट्रिकल हीटिंग तरीके हैं, उनसे डिफरेंट होने के कारण बहुत एडवांटेज रखती है कुछ खास स्थितियों में। जैसे एक महत्वपूर्ण एडवांटेज है हीटिंग की रेट का ज्यादा होना, क्विक हीटिंग होना। हम क्योंकि हीट सीधे वर्क पीस पे
कर रहे हैं और हाई फ्रीक्वेंसी के कारण स्किन इफेक्ट के कारण डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन कम है, तो हम किसी भी वर्क पीस में हाईएस्ट सरफेस हीटिंग रेट्स प्राप्त कर सकते हैं और केवल सरफेस पे ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म बहुत इंटेंस 5 किलोवाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर जैसी हीटिंग रेट हाईएस्ट प्राप्त हो सकती है। हीटिंग फास्ट होने के कारण हॉट सरफेस पे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से जो स्केल फॉर्मेशंस होती हैं, जिसमें समय लगता है, वो स्केल फॉर्मेशन हीटिंग टाइम कम होने के कारण कम हो जाती है। तो जो ब्रास जैसे मटेरियल हैं जिनकी हॉट सरफेस पे सरफेस फिनिश खराब हो सकती है, उनके लिए इंडक्शन हीटिंग बहुत बेहतरीन है। इंडक्शन हीटिंग का जो स्टार्टअप प्रोसेस है वो बहुत फास्ट है, किसी भी हमें प्री हीटिंग की जरूरत नहीं है, हीट सीधी जॉब पीस में डायरेक्ट पैदा होती है, तो हम बहुत तेजी से हीटिंग प्रोसेस को शुरू करके और एनर्जी सेविंग कर सकते हैं। हीटिंग फास्ट और कंट्रोल्ड होने के कारण हम अपने प्रोडक्शंस की रेट्स को बहुत ज्यादा कर सकते हैं और लेबर कॉस्ट को घटा सकते हैं। इसके अलावा सभी प्रकार की जो इलेक्ट्रिक हीटिंग के एडवांटेज है वो इंडक्शन हीटिंग के पास भी है। हमारे पास ऑटोमेशन से एक आसान हीटिंग प्रोसेस पे कंट्रोल हो सकता है। हम अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी, करंट का मैग्नीट्यूड, वर्क कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स और हीटिंग के टाइम सभी को अपनी इच्छा से कंट्रोल करके डिजायर्ड हीटिंग इफेक्ट पैदा कर सकते हैं। हीटिंग प्रोसेस को फ्लोर स्पेस एरिया कम चाहिएगा। ये क्विक, सेफ और क्लीन वर्किंग कंडीशंस में काम करता है और हम इवन वैक्यूम में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हमारा सारा प्रोसेस ऑटोमेटेड है तो वर्कर की स्किल्स का एंड प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कोई असर नहीं है, तो लेस स्किल्ड ऑपरेटर पर्सनल भी इंडक्शन हीटिंग में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आज की वीडियो का जो सबसे अहम भाग है इंडक्शन हीटिंग की एप्लीकेशंस, उसको भी कर लेते हैं। इंडक्शन हीटिंग की मदद से हम टारगेटेड सरफेस को हीट कर सकते हैं, मटेरियल को मेल्ट कर सकते हैं, मेटल को सोल्डरिंग से जोड़ सकते हैं। हम इंडक्शन हीटिंग का इस्तेमाल ब्रास और दूसरे हार्ड मटेरियल के सरफेस को मेलेबल बनाकर सरफेस फिनिशिंग और डेकोरेशंस के लिए भी करते हैं। इंडक्शन हीटिंग की मदद से हम किसी सरफेस को गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करके सॉफ्ट बना सकते हैं। इससे मटेरियल की डक्टिलिटी और मशीनेबिलिटी बढ़ जाती है और उसमें रेजिडुअल स्ट्रेसेस हट जाती है। हम एक उल्टा प्रोसेस भी कर सकते हैं कि जो हमारा मशीन किया हुआ मटेरियल पीस है उसमें केस हार्डनिंग और टेम्परिंग करके उसे कटिंग और दूसरी हार्ड एप्लीकेशंस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम जितने भी गियर्स, केम्स, शाफ्ट, कटिंग टूल्स वगैरह होते हैं उनके सरफेस हार्डनिंग के लिए इंडक्शन हीटिंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ब्रीजिंग एक प्रोसेस है जिसमें दो या ज़्यादा मेटल पीसेज या इवन सिरेमिक मटेरियल्स को भी हम किसी मोल्टन फिलर मटेरियल जो सिल्वर, एल्युमिनियम, एलॉय या कॉपर हो सकता है उसकी मदद से जोड़ते हैं। ब्रेजिंग को सोल्डरिंग की कंपैरिजन में ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, लेकिन ये ज़्यादा मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रिकली गुड कंडक्टर बॉन्ड मटेरियल के बीच में बना देता है जो शॉक, वाइब्रेशन और टेम्परेचर चेंजेस पे भी स्टेबल रहता है। तो ब्रेजिंग ऑपरेशन के लिए हम दो मेटल पीस पे जो मोल्टन फिलर मटेरियल है उसकी पोजीशंस को हाई फ्रीक्वेंसी के मैग्नेटिक फील्ड में एडी करंट की मदद से पिघलाकर और बाद में उसे सेट करके जॉइंटिंग करते हैं। इंडक्शन हीटिंग का इस्तेमाल इंडस्ट्री में हीट स्टैकिंग के लिए काफी होता है, जिसमें हम दो पीसेस को श्रिंक फिट करते हैं आपस में। पहले जो बड़ा टुकड़ा जो बाहर होता है उसकी ओपनिंग को हम गर्म करके फैला लेते हैं और जब उसके होल का साइज बड़ा हो जाता है तो सेकेंड पीस उस ओपनिंग में इंसर्ट कर देते हैं और जब फर्स्ट पीस कूल होके श्रिंक होता है तो एक प्रेशर टाइट होल्ड दोनों मटेरियल के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग्स बना लेता है। तो बियरिंग की प्रेसिंग है या बहुत सारे दूसरे इसी तरह के मैकेनिकल ऑपरेशंस है वो हम इंडक्शन हीटिंग से करते हैं। इंडक्शन हीटिंग की मदद से हम कंडक्टर लिक्विड और गैसेस को भी गर्म कर सकते हैं। इंडक्शन हीटिंग की एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के फैब्रिकेशंस में है। हम सिलिकॉन बेस्ड मटेरियल को सेमीकंडक्टर प्रोसेसिंग के लिए जोन रिफाइनिंग, जोन लेवलिंग, डोपिंग या एपिटेक्सियल डिपोजिशंस, इनके लिए इंडक्शन हीटिंग प्रोसेसेस का इस्तेमाल करते हैं और हम जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों को इस तरह के प्रोसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी पावर के साथ इंडक्शन हीटिंग का इस्तेमाल इंडस्ट्री में फेरस और नॉन फेरस मटेरियल की मेल्टिंग में है, जहां हमें ज्यादा क्वालिटी के स्टील्स बनाने हो या नॉन फेरस एलॉय जो अच्छे कंडक्टर हैं कॉपर या एल्युमिनियम उनकी प्रोसेसिंग करनी हो तो हम इंडक्शन हीटिंग का इस्तेमाल करते हैं। और इंडक्शन हीटिंग में
जो एडी करंट से हमारे मोल्टन मास में नेचुरल स्टीरिंग एक्शन होती है, उससे हमारा मेल्ट ज्यादा यूनिफॉर्म बनता है और हमारा जो मेल्टिंग क्रूसिबल है उसकी लाइफ बड़ी हो जाती है। और सबसे खूबसूरत बात है कि हम हीटिंग को बहुत अच्छी तरह से डिजायर्ड तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। हम इंडक्शन हीटिंग की मदद से बहुत सारे जो फाइन ऑटोमोबाइल पार्ट्स होते हैं, जैसे क्लच प्लेट है, ब्रेक शूज है, उस पे जो सिरेमिक और हार्ड मटेरियल्स होते हैं उनकी थर्मोसेटिक एडेसिव से बॉन्डिंग्स बनाते हैं, और इन बॉन्डिंग्स के लिए जो क्विक हीटिंग हमें चाहिए वो हम इंडक्शन प्रोसेसेस से करते हैं। हम डोमेस्टिक कुकिंग एप्लीकेशन में इंडक्शन कुकर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें बहुत ज्यादा हाई रेट ऑफ हीट जनरेशन मिल जाएगी, तुरंत हमारी हीटिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा, ज्यादा यूनिफॉर्म तरीके से हमारे कुकिंग स्टफ में हीट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पूरी तरह से हमारा प्रोसेस ऑटोमेटिक है, छोटा है, सेफ है, किसी तरह के लो वोल्टेज पे एप्लीकेशन होने के कारण कुकिंग पैन को टच करने के पर शॉक हजार्ड्स नहीं है, हम बहुत आसानी से टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारा जो इंडक्शन कुकिंग पैन है या इंडक्शन कुकर है वो भी हम घरों में इस्तेमाल करते हैं जो इंडक्शन हीटिंग सिस्टम पर काम करता है। हमने एक दूसरी वीडियो में डायलेक्ट्रिक हीटिंग और इंडक्शन हीटिंग की कंपेरिजन की है, उस वीडियो को आप एंड स्क्रीन से लिंक करके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो से आपको हाई फ्रिक्वेंसी इंडक्शन हीटिंग का सर्किट किस तरह से काम करता है और कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस के बारे में निश्चित रूप से अच्छी जानकारी प्राप्त हुई है। हमारा जो इंडक्शन हीटिंग सिस्टम है वो हाईटेक कॉस्टली कंपोनेंट से बना हुआ है, थोड़ा महंगा होता है, उसे जब हम इस्तेमाल करते हैं तो मेन लाइन से एंड प्रोडक्ट के बीच में बहुत सारी स्टेजेस में पावर कन्वर्जन करना होता है, तो ओवरऑल एफिशिएंसी हमारे सिस्टम की काफी कम है, 50% से भी कम, और स्विचिंग डिवाइसेज में करंट वोल्टेज आने के बाद में शुरू होता है, ओवरऑल सर्किट का पावर फैक्टर भी काफी पुअर हो जाता है। तो हमारा जो इंडक्शन हीटिंग सिस्टम है उसकी भी ओवरऑल एग्रीगेट पावर फैक्टर काफी पुअर होती है। हाईटेक इन्वर्टर और हमारा मैचिंग सर्किट है, इसकी मेंटेनेंस और रिपेयर्स के लिए हमें बहुत ज्यादा क्वालिफाइड टेक्निकली स्किल्ड स्टाफ की आवश्यकता होगी, तो ये कुछ डिसएडवांटेज हैं। लेकिन आप जानिए कि अगर कंडक्टर की सरफेस पे बहुत क्विक हीटिंग करनी है तो इंडक्शन हीटिंग से बेहतर कोई दूसरा तरीका नहीं है। हैव नाइस टाइम, थैंक यू वेरी मच।